श्रेय पूरी टीम को जाता है जो स्टार्टिंग से शो कर रही है. एंड एक होता ना हमेशा कैप्टन ऑफ द शिप हम बोलते हैं डायरेक्टर, एंड आई फील श्रवण सर इज द वन हु हैज क्रिएटेड द होल शो. एंड वो इतने स्मूथली लेके जा रहे हैं कि हम एक्टर्स को कभी प्रेशर फील नहीं होता, एंड एवरी टाइम द सीन्स आर लुकिंग ह्यूज एंड लार्जर दैन लाइफ. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. सो आई गेस जो क्रेडिट है वो सबसे ज़्यादा हमारे डायरेक्टर को जाता है, एंड देन टू ऑल द पीपल हु आर हियर फ्रॉम द डे वन. वो ये लोग मैं अभी जस्ट आया. और तुरंत हम थोड़े टाइम बाद वापस 200 के लिए मिल रहे हैं. सो आई एम ब्लेस्ड, एंड आप सबकी वजह से ही आज हमारे 200 एपिसोड कम्प्लीट हुए हैं, आप सबके प्यार की वजह से. सो आप बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और हम ऐसे ही 300, 500, 1000 एपिसोड्स बनाते जाएंगे. आने वाले समय में क्या नया ट्विस्ट होगा, इतने सारे नए नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. हाँ बिल्कुल, हमारे शो आपके फादर आए शाहबाज जी. जी जी रियली आई एम लकी यार कि ऐसे सीनियर एक्टर्स एंड ग्रेट एक्टर्स साथ में काम करने को मिल रहे हैं, एंड दे आर प्लेइंग माय मॉम एंड डैड. तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है उन लोगों का, बिकॉज वो आए हैं तो शो यू नो एक लेवल उठ गया है, एन टी आर पी वगैरह सब इंक्रीज हुए. सो वी आर रियली हैप्पी कि इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी आए हैं, एंड बहुत ईजिली सेट का माहौल ऐसा है कि सब ईजिली जलप हो जाते हैं, तो वो भी अच्छे जलप हो गए हैं. एंड वी आर लविंग द सीन्स, वो हाई ड्रामेटिक सीन्स जो हम करते रहते हैं. एंड आई एम श्योर आने वाले जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो ज़्यादा बोल तो नहीं सकते, बट हाँ जो इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन हमें पता है, जो ब्रॉड स्टोरी लाइन, इट्स अमेजिंग. मतलब बहुत कुछ है आपके लिए देखने के. हाँ बिल्कुल, शाहबाज सर आए हैं, उनके साथ मुझे शूट करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, लकी फील हो रहा है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट आए हैं. हमारे सर यहीं पे हैं और बस आपकी तारीफ चल रही है. मेरी तारीफ हो रही है तो मैं सोचा मैं भी आ जाऊँ. यस, एंड बहुत मजा आ रहा है इनके साथ भी शूट. हेलो सर, मैं और रोमा हम लोग आर्यन के डैड बने हैं. मैं गर्जन मिश्रा, ये हमारी बहू हैं और अभी अभी हमारी शो में एंट्री हुई है. सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि नत जेवर या जंजीर को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, 200 एपिसोड तक पहुंचाया. आपसे उम्मीद है कि आप 2000 और 3000 और 4000 एपिसोड तक भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह. ज़रूर ज़रूर. और बड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोगों की तो एंट्री अभी हुई है 10 एपिसोड पहले, लेकिन एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे से काम, वेरी गुड आर्टिस्ट. हाँ, आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो इज़ कि जो हमारी टीम है वो इतनी अच्छी और इतना कंफर्टेबल कर देती है, आई मीन हमारे डायरेक्टर ले लो, हमारे एक्टर्स ले लो, सो दे मेक एवरीबडी सो कंफर्टेबल. तो हमारे जो सीन्स है वो ऐसा नहीं लगता कि हम काम कर रहे हैं या कभी कुछ ऐसा, इट जस्ट गोज ऑन एफर्टलेस. हाँ, एकदम पिकनिक जैसा लगता है और हमारी ये तो मेहनत की मूर्ति है. इतना ये भी मेरा बिटवा भी, हमार बिटवा भी, इतना ये इन लोग इतने गेट अप और उसका जो जिस तरह से इसकी एनर्जी है और जिस तरह से मेहनत करती है, इट्स कमेंडेबल. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सर आपने इतने सीरियल और फिल्म्स में काम किया है, दंगल टीवी पे आप शायद पहला शो कर रहे हैं. हाँ, दंगल में मैं पहला कर. एक्सपीरियंस कहना चाहेंगे, दंगल टीवी इतना अच्छा ग्रो कर रहा है. बहुत अच्छा है दंगल टीवी, तो अभी और बहुत ग्रो करेगा क्योंकि हम लोग जो यूपी और जो जिस बेल्ट को हम लोग केटर कर रहे हैं वो बहुत बड़ा और बहुत ही कल्चरली रिच बेल्ट है. और हम लोग जिस तरह से दंगल टीवी ही अब एक ऐसा चैनल बचा है जहाँ पर इंडियन कल्चर को एज इंडियन कल्चर प्रमोट किया जाता है, अभी तक वो उसमें जो क्या कहते हैं मिश्रण नहीं हुआ है. और घर घर तक आइडेंटिफिकेशन है दंगल का, तो आई एम श्योर कि दंगल टीवी तो अभी ये बहुत आगे जाएगा, अभी भी आगे है लेकिन और ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना है कि और ऊपर जाए. और चैनल की सबसे अच्छी बात ये है कि वो फ्री टू एयर है. सो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डिश कनेक्शन नहीं करवा पाते. अच्छा, हैं पैसे नहीं होते उनके घर में, वो नहीं टाटा स्काई या बाकी चीज़ें केबल्स पहुँच पाती हैं, तो वो लोग भी, उनका भी मनोरंजन हो जाता है, उनको भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है शो देख के. सो ये दंगल चैनल की बहुत अच्छी बात है कि वो फ्री टू एयर है, सो सब लोग देख सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई केबल का पैसा नहीं. हाँ एब्सोल्युटली, देखो कितनी बिजनेस माइंडेड हमारी हीरोइन है. और प्रतिमा जी आइए ना, आइए करिए.
नहीं आइए ना, हो गया लॉट्स में हो। थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत मुबारक हो सबको, हम सबको। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर श्रवण का थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरी बागडोर को लेकर अगर कोई चले हैं तो ये चले हैं, और इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से, मतलब कोई सीन कन्विंसिंग भी नहीं लगता है, उसके बावजूद हमको इतना सपोर्ट करते हैं कि नहीं है, नहीं मैं भी जान रहा हूँ लेकिन करना है, तो इन्होंने ही सब कुछ कराया है। और मैं मतलब थैंक्स कहती हूँ श्रवण को कि इतना मेहनती और इतना मतलब काम जुझारू बंदा है, और मेरी दुआएं हैं कि आज के बाद, इस शो के बाद तो इनकी रेस रुकेगी नहीं, आगे ही बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा थैंक्स श्रवण। थैंक यू दादी। और मैं पहले तो मैं चाहूँगी कि आप दो शब्द बोलिए, फिर मैं बोलूँ। श्रवण जी, 200 एपिसोड कंप्लीट हो गए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। ये जो कंप्लीट हुआ, इसमें हम सबों का योगदान है, आप सबों का, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, हमारे जो प्रो एक्टर हैं, आप लोगों की टीम है। तो अकेला तो मैं कुछ करता नहीं, बहुत क्लियर है, मेरे पास 100 लोगों की टीम होती है, हमारे पास तराशे हुए एक्टर हैं, है ना, तो पूरी टेक्नीशियन और सब लोग मिलके, स्टोरी राइटर मिलके, सब कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से हमसे 200 पूरे कर लिए हैं, बस दुआ रहेगी आप लोगों की, तो हम बहुत सारे ऐसे हम केक काटते रहेंगे, बस। थैंक यू। वैभवी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले थैंक यू एंड बहुत ओवरवेलमिंग है 200 एपिसोड्स, एंड काफ़ी खुशी है हम लोग को, सो इट्स सुपर्बली अमेजिंग, एंड आई रियली विश हम आगे भी और 200 और एपिसोड करते रहे। अब तो इतने सारे, मतलब इतने सारे ट्विस्ट आ चुके हैं, इतने मर्डर हो गए, इतनी गोलियां चल चुकी हैं, नया कुछ होने वाला है? वैभव भी कुछ और करेंगे अभी? अभी तो बूंदी क्या करेगी? बूंदी तो फिलहाल देखती है, अभी जेल गई है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगी बूंदी जेल से बाहर आने के लिए, बट वो क्या करती है, कब आती है, ये पता नहीं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? 200 एपिसोड का केक काटा गया है और आपका रोल भी बड़ा ट्विस्ट के साथ ही चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है घर में। मैं तो चलता रहता है। मैम थप्पड़ क्वीन है ना? मैम को मैंने नया नाम दिया, थप्पड़ क्वीन। मैं थप्पड़ क्वीन हूँ अकॉर्डिंग टू श्रवण सर। कितने थप्पड़ मार चुके हैं, कुछ गिनती? अगर सर 100 रुपया भी थप्पड़ अगर मैम लेती तो मैम आज करोड़पति हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना? ये नया ट्विस्ट, नहीं गिनना क्यों है, बिकॉज ये इनफाइनाइट चलने वाला है शो, तो हम गिनती नहीं करेंगे, बिकॉज ये चलते रहने वाला है शो, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एपिसोड कंप्लीट हुआ, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और भी होंगे ना ऐसे बहुत सारे पार्टीज, तो और क्या प्रतिक्रिया चाहिए, अभी एंजॉय कीजिए और भी एंजॉय करने के लिए वापस आइए। जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। झेलम जी, आज 200 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं, तो अपने बारे में कुछ बताएं, रोल के बारे में। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम पूरी टीम की तरफ से आप सभी को, टू द ऑडियंस, हाईली कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर लविंग द शो एज यू हैव ऑलवेज डन। एंड दूसरी बात, मेरा कैरेक्टर अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू जस्ट एंटर द शो और 200 एपिसोड कंप्लीट हुए, एंड या आई एम एंजॉइंग इट सो फार, एंड यू नो इट हैज़ गॉट सो मेनी शेड्स। मेरे कैरेक्टर को बहुत रियलिस्टिक रखा है उन्होंने, लाइक एनी गर्ल जो किसी से इतना प्यार करती है, अगर उसका दिल टूट जाए, सो आई थिंक दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एनीबडी। सो या आई थिंक मेरा कैरेक्टर काफ़ी रियल स्पेस में है, तो करने भी मज़ा आ रहा है, देयर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, शी इज़ नाइस ऑल्सो, शी इज़ बैड ऑल्सो, शी इज़ वेंजफुल ऑल्सो, सो या एंजॉइंग इट सो फार। आज क्या सीन शूट किया है आप लोगों ने, आज के बारे में? आज मेरा दिल फाइनली टूट गया, लाइक शैटर्ड, जब मुझे खुद आर्यन कह देता है कि यू नो आपसे नहीं प्यार करता हूँ मैं, आई हैव समबडी एल्स। वैसे टू वॉच मोर, वॉच द एपिसोड। अच्छा, आप आर्यन लव इंटरेस्ट आपके शो में है आप, और जब आपको पता चलता है कि उसकी शादी महुआ से हो गई है, तो आपका क्या रिएक्शन है शो के अंदर? डेवस्टेटेड, वो टूट जाती है बेचारी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम 5 साल का रिलेशनशिप बताया शो में, अगर तुम 5 साल किसी से बेतहाशा मोहब्बत करते हो, एंड इन दी एंड वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता,
तो जैसे हम सभी लाइक इट्स अ ह्यूमन नेचर कि यू शैटर एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड देन आप जस्ट एक चीज़ सोचते हो कि नहीं मुझे बदला लेना है एंड ऑल, तो ये रिएक्शन रहा है झेलम का, क्योंकि उसको दिखाया है कि वो इतना प्यार करती है आर्यन से कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती. सो या सो दैट इज़ हर वे ऑफ कोपिंग अप. आपके दूसरे कुछ शोज के बारे में बताएं कि दंगल में आपकी पहली मुलाकात हो रही है मीडिया से. हाँ जी, तो मेरा लास्ट शो था तारा फ्रॉम सतारा जो कि सोनी टीवी पे आता था. इट वाज अ डांस बेस्ड शो. आई एम अ कथक डांसर, सो उसमें काफ़ी सारा कथक डांसिंग ये वो बताया था. एंड उसमें स्टोरी ऐसी थी कि मैं मेरे डैड से ही मैंने कथक डांसिंग सीखा है जो कि मेरे रियल लाइफ में है. माई डैड हिमसेल्फ इज़ अ डांसर और मैंने अपने डैड से ही डांसिंग सीखी है. गॉट इन टू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम माई डैड ओनली. सो या दैट इज़ अबाउट मी. थैंक यू, थैंक यू सो मच.